हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। हिमाचल कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा प्रदेश सरकार पर हमला साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देकर कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। हिमाचल कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष अमित नंदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अभी अपनी 10 गारंटियों में सबसे पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की रखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के 10 दिन के अंदर ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर देगी। अमित नंदा ने कहा कि ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन बावजूद इसके सरकार इसके लिए गंभीर नजर नहीं आ रही है। है और मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर जो कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई गारंटी है, जो कि नंबर एक गारंटी है, उसे सरकार कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर लागू किया जाएगा, उस बारे में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, बहुत बहुत सारे इश्यूज हैं इस चीज़ को, एम्प्लॉयज़ को समझने में जो है वो भी बहुत बड़ा समय लग गया। जब हम इसका कंपैरिजन देखते हैं तो इसमें जीपीएफ को लेके एक बहुत बड़ी वो है, डिफरेंस है। हमारी ओल्ड जो फैमिली पेंशन है उसको लेके बहुत बड़ी एक डिफरेंस है। जो कंट्रीब्यूटरी अब ये पेंशन 10% मैंडेटरी आप एम्प्लॉय की तनख्वाह का पैसा काट रहे हैं, वो एक अलग डिस्क्रिशन है। ये जो पैसा है ये इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है, स्टॉक मार्केट के रिस्क से आप लोग जो है भलीभांति आप लोग परिचित हैं। कल को अगर कोई ग्लोबल रिसेशन या कुछ ऐसा कोई इशू हो गया तो हमारे कर्मचारियों भाइयों का जो पैसा है उसके डूबने का खतरा है। तो ये मुख्य मांगे हैं और कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हमेशा ही जो है काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी जो है ये लोग इन सब चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनकी ये जो मांगे हैं ये नाजायज है, बिल्कुल सही मांग है और जो है कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर समर्थन करती है। देखिए, अगर बात सरकारों की जाए तो ये जो इनिशिएट किया है ये 2003 में भाजपा सरकार ने ही किया और केंद्रों पे इसको थोपा गया है कि अगर आप इसे लागू नहीं करेंगे तो आपकी ग्रांट जो है वो रोक दी जाएगी।